हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, ज्ञान बुद्धि दे मेरे प्रियो। आज हम प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं नाइट प्रेयर, ठीक है। आज हमें किसी मनुष्य के सामने रोने की गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है, किसी मनुष्य का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, मेरा पिता हमारे साथ है। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे मांग और मैं तुझे तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे दूंगा। मेरे प्रियो, आज हमें किसी मनुष्य का सहारा नहीं लेना है, किसी के सामने रोने की गिड़गिड़ाने की आवश्यकताएं नहीं है, किसी के सामने भीख मांगने की आवश्यकताएं नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सभी को परमेश्वर के सामने आने की आवश्यकताएं हैं, परमेश्वर के सम्मुख आने की आवश्यकताएं हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने हमें घुटने टेक कर बैठना है और पिता से हमें सब कुछ बोल डालना है। मेरे प्रियो, हमें कुछ रख नहीं छोड़ना है। जो भी पाप, गलती, गुनाह हुए हैं मेरे प्रियो, चाहे जितना भी गंदा, घिनौना, नंगा पाप क्यों ना हो, यीशु मसीह ने कहा है, तुम मेरे सामने उन अपराधों को मान लो, उन्हें छोड़ दो, तो मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी ठहरूंगा। मेरे प्रियो, आज मैं किसी मनुष्य का सहारा नहीं लेना है। मेरे प्रियो, जो भी पाप हुए हैं हमें यीशु मसीह से बताना है, हमें पिता से नहीं शर्म करना है, हमें पिता से सब कुछ बताना है, चाहे जितना गंदा पाप हो। यीशु मसीह ने कहा है, जो अपने अपराधों को मान लेता है, उन्हें छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप दुखों में हैं, अगर आप तकलीफों में हैं, अगर आप चिंताओं में हैं, अगर आप टेंशन में हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप नाना प्रकार की बीमारियों में लिप्त हो चुके हैं मेरे प्रियो, तो आज आप सभी को परमेश्वर के सम्मुख आने की आवश्यकताएं हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने आइए, अपने घुटने टेकर बैठ जाइए। तो चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। मेरे पिता, आप महान है, आप दयालु है, आप करुणानिधि है, आप राजाओं की राजा है, आप प्रभु के प्रभु। मेरे पिता, पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे स्वामी, मेरे पिता, जो आपने पिता हम सबों को मेरे खुदा जीवतों के बीच में मेरे स्वामी जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है। मेरे पिता, इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। मेरे स्वामी, मेरे पिता, पिता आज के संसार में मेरे पिता कितने होंगे, पिता मर गए होंगे, पिता वे नरक में चले गए होंगे, बिना उद्धार ही के मर गए होंगे, संसारिक लोग होंगे, अपने परिवारों से बिछड़ गए होंगे। मेरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी, पिता जो आपने मेरे स्वामी हम सबों को जीवतों के बीच में मेरे स्वामी जीवित रखा है, संभाल के रखा है। मेरे खुदा धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ। मेरे पिता, हम सभी को विश्वास से मेरे पिता कि आप हमारा चंगा करने वाले मेरे पिता यहोवा जुलार है। मेरे स्वामी, पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जो बीमार है मेरे पिता, जो बीमारी में ग्रस्त है मेरे पिता, जो टूट गए अपनी बीमारियों को लेकर मेरे पिता, जो हॉस्पिटल में बीमार है मेरे स्वामी, मेरे पिता आप उन्हें छू लीजिए मेरे स्वामी। मेरे पिता, आपका छीदा वाला हाथ, दया वाला हाथ, दहिना हाथ मेरे स्वामी हर एक जन को छू ले। मेरे स्वामी, जो बीमार है पिता, चाहे जितनी भी घातक गंभीर बीमारी में क्यों ना हो मेरे पिता, आप उन्हें छू ले मेरे राजा, छू ले यीशु राजा, वे चंगे हो जाए, वे अभिषेक से भर जाए, वे हील हो जाए, वे फ्री हो जाए, वे आजाद हो जाए के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवादेशु, 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 धन्यवादेशु। पवित्र 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 आप राजाओं की राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु। मेरे पिता, आप स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे मालिक आपको दिया गया है। मेरे पिता, पापों को क्षमा करने का अधिकार मेरे पिता आपको दिया गया है। मेरे पिता, पिता जो भी हम सभी मसीह भाई बहनों से पिता पाप गलती गुनाह हुए हैं मेरे पिता, आप माफ़ करें, आप क्षमा करें मेरे पिता, क्योंकि पिता आपके पास ये अधिकार है मेरे स्वामी कि आप हम सभी के पापों को क्षमा कर सकते हैं, अधर्मों को क्षमा कर सकते हैं। मेरे पिता, होने दे मेरे स्वामी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जो किसी बात को लेकर टूट गए हैं, जो टेंशन में हैं, जो डिप्रेशन में चले गए हैं पिता, आप उन्हें ठीक कर दे, वे टेंशन डिप्रेशन से बाहर निकल आए मेरे पिता, वे टेंशन गम से, चिंताओं से बाहर निकल आए मेरे स्वामी, बेचैनियों से बाहर निकल आए मेरे स्वामी पिता, जो शादियों को लेकर टूट गए मेरे पिता, उनकी शादियाँ हो जाए मेरे स्वामी आपके वचन के अनुसार। मेरे स्वामी, पिता जिन मसीह भाई बहनों की शादियाँ नहीं होती मेरे पिता, उनकी शादियाँ हो जाए मेरे स्वामी। मेरे पिता, ये उधर तक झक में ना लगे रहने में पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता
शैतान ने नरक में ना ले जाने मैं पाए पिता, कि शैतान तो पिता फाड़ना नोचना चाहता है मेरे पिता। शैतान फाड़ने वाला भेड़िया है, भेड़िया मेरे स्वामी, वो इसी खोज में रहता है कि इसको फाड़ खाए मेरे पिता। मेरे खुदा, हम मनुष्य है पिता, हमसे पाप गलती गुनाह हो सकते हैं मेरे पिता। मनुष्य निर्बल है, मनुष्य कमजोर है, पाप में गिर सकता है, बिखर सकता है मेरे स्वामी। आप माफ करें, आप क्षमा करें मेरे पिता, आप निष्पाप हैं, आप ही के पास ये अधिकार है कि आप हम सभी के पापों को क्षमा कर सकते हैं मेरे यहोवा जुलाल। मेरे पिता होने दे पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो गरीब है पिता, जो लाचार है पिता, जो गरीबी में ग्रस्त है पिता, जो रो रहे हैं पिता, अपनी गरीबी को लेकर रो रहे हैं मेरे स्वामी। हम चाहते हैं मेरे पिता उनकी गरीबियाँ दूर हो जाए, उनकी कंगाली घटी दूर हो जाए मेरे पिता। वह किसी ने जाते क्योंकि हाथ ना फैले न पाए पिता, उनके हाथ मांगने लिए नहीं मेरे स्वामी, उनके हाथ देने वाले बना दीजिए मेरे स्वामी, उनके हाथ देने वाले हो जाए। आपका छीता वाला हाथ, दया वाला हाथ, दयना हाथ पिता, हर एक जन को छू ले मेरे स्वामी, हर एक जन को छू ले मेरे स्वामी, वे अभिषेक से भर जाए। आपका वचन कहता है मेरे पिता, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हें खोल दिए जाएंगे मेरे स्वामी। आपके नाम से मांगते हैं, आपके नाम से पुकारते हैं मेरे स्वामी। इनके घरों के ऊपर आशीष उंडेल दीजिए, बरकतें उंडेल दीजिए, आशीष उंडेल दीजिए पिता, ताकि पिता ये बहुतेरी जाति को उधार देने वाले बन सके मेरे पिता। ये मांगने वाले नहीं, ये देने वाले हो जाए के हाथ मेरे स्वामी। हालेलुया, धन्यवादेशु 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 धन्यवादेशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता। पिता आज संसार में कोई मनुष्य नहीं है मेरे पिता जो हर एक दूसरे के लिए लहू बहा सकता है, खून बहा सकता है मेरे पिता। आप ही एक ऐसे निष्पाप परमेश्वर है पिता, जो आपने सभी से इतना प्रेम किया पिता कि आपने अपना कीमती रक्त बहा दिया मेरे स्वामी। मेरे पिता आपके 39 कोड़े लगवाए गए मेरे पिता, उन कोड़ों के साथ पिता मांस निकल कर चला आता था मेरे पिता। आपके हाथों पैरों में किलो ठुकी गई है मेरे स्वामी, आपके सिर के ऊपर कांटों का ताज पहना दिया गया मेरे स्वामी। मेरे पिता आपके मुंह पर थूका गया मेरे पिता, आपको सूली पर कलोरी क्रूस पर लटका दिया गया मेरे पिता, और आपने कहा है पिता इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं मेरे पिता। पिता आपने किसी को श्राप नहीं दिया पिता, वहां पर पिता उन सैनिकों को पिता आपने माफ कर दिया मेरे पिता, वे नादान है पिता। आपने हमारे लिए पिता दुख सा, दर्द सा, कोड़े से, बेइज्जती से ही थूका गया के मुंह पर मेरे पिता। इतना दुख इतना दर्द मेरे पिता आपने सहा है हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए पिता, इस मानव जाति के पाप के कारण पिता, और सारी मानव जाति का पाप मेरे पिता आप अपने पर ले लिए और कलवरी क्रूस पर चढ़ गए मेरे पिता। मेरे स्वामी हम आपका जितना भी धन्यवाद करें मेरे स्वामी, उतना ही कम है मेरे पिता, उतना ही कम है मेरे स्वामी, क्योंकि आप महिमा करने के योग्य हैं, आप तारीफ करने के योग्य हैं, आप स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य हैं मेरे पिता। पिता जो टूट गए हैं मेरे पिता, जिनकी बीमारियाँ नहीं ठीक करें मेरे पिता, जो विश्वास करते हैं पिता, उनके विश्वास के द्वारा पिता उनके जीवन में चमत्कार करें मेरे पिता, चंगाई को उंडेल दीजिए पिता। आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यास पिता आपके नाम से मांगते हैं पिता, आपके नाम से पुकारते हैं मेरे पिता। जैसे पिता आपने मुर्दों को जिलाया, हिंदों को दृष्टि दी, कोड़िए पाजियों को शुद्ध किया मेरे पिता, उसी अधिकार के द्वारा पिता आप इनके जीवन में आए, आप इनके जीवन में आए मेरे पिता। आप इन्हें हील कर दीजिए, ये फ्री हो जाए, ये आजाद हो जाए, ये चंगे हो जाए। यीशु मसीह आपके नाम से मेरे पिता होने दे। हम चाहते हैं मेरे पिता उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं पिता। आज से पिता जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता, उन्हें बच्चे दीजिए, वो फूल लुगने पाए मेरे पिता, उन्हें वंश दीजिए आपके सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। जो भी समस्याएं उनके शरीर में मेरे पिता, वे दूर हो जाए, वे हील हो जाए मेरे पिता। होने दे, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो रात में नहीं सो पाते, डर लगता, भय लगता है मेरे पिता। आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुखी नींद आएगी। यस मेरे पिता, इस वचन के द्वारा पिता आप इनके जीवन में आए पिता, आप इनके जीवन में चमत्कार करें मेरे पिता। इनके चारपाई के पास आपके दूध का बाड़ा बांध देते हैं, आपके लहू का बाड़ा बांध देते हैं मेरे पिता, इस जगह को पिता और अपने आप को लहू में कवर करते मेरे पिता। पिता मुझे आशा है, विश्वास है मेरे पिता अपने प्रार्थना को सुना मेरे पिता। ये छोटी सी विनती आपके नाम से मांगते, आमीन और आमीन।